काले हिरण के शिकार को लेकर राजस्थान कोर्ट ने सलमान खान को राहत प्रदान की गई है। राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान कोर्ट में सलमान खान के खिलाफ काले हिरण का शिकार करने के चलते आर्म्स एक्ट में छूटा हलफनामा पेश करने के लिए याचिका दायर की गई थी, जिस याचिका को लेकर अब राजस्थान कोर्ट ने राजस्थान सरकार की इस याचिका को खारिज कर दिया है। सलमान खान पर काले हिरण को मारने के मामले में राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें सलमान खान पर एक विलुप्त प्रजाति के जानवर काला हिरण के शिकार करने पर राजस्थान कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इतने लंबे समय से चल रहे इस मामले पर अब सलमान खान को बहुत बड़ी राहत प्रदान हुई है। राजस्थान के जोधपुर जिला एवं सत्र अदालत ने सलमान खान द्वारा झूठा हलफनामा देने के मामले में गुरुवार को अपना फैसला सुना दिया, जिसके तहत राज्य सरकार की ओर से सलमान के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस याचिका में आरोप लगाया था कि सलमान खान ने शस्त्र अधिनियम के संबंध में गलत हलफनामा पेश किया था। जानकारी के मुताबिक इस फैसले को सुनने के लिए सलमान वर्चुअल रूप में कोर्ट में उपस्थित रहे थे। सलमान ने 2003 में गलत हलफनामा पेश करने को लेकर माफी भी मांग ली थी। जोधपुर सेशन कोर्ट में काला हिरण शिकार में दोषी ठहराने के खिलाफ अपील की सुनवाई के दौरान सलमान के वकील हस्तिमल सारस्वत ने कोर्ट को बताया कि 8 अगस्त 2003 को गलती से हलफनामा कोर्ट में पेश कर दिया गया था, इसके लिए अभिनेता को माफ कर दिया जाए। सलमान ने वकील का कहना था कि यह हलफनामा जानबूझकर पेश नहीं किया गया था, क्योंकि सलमान खान काफी बिजी रहते हैं और उस समय उन्हें लाइसेंस के बारे में सटीक जानकारी नहीं थी। इससे पहले भी जून 2019 में निचली अदालत ने भी सलमान खान को गलत हलफनामा दायर करने के आरोप से दोष मुक्त कर दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायालय में एक अपील दाखिल की थी, जिसके बाद अब गुरुवार रात को ट्विटर पर सलमान खान ने ट्वीट करते हुए कहा, मेरे सभी प्रशंसकों को आपके प्यार, समर्थन और चिंता के लिए धन्यवाद। अपना और मैं अपने परिवार का ख्याल रखें। भगवान आपका भी भला करे और आपको भी प्यार करें।